अब हम आपको सिग्नल्स के बारे में बताते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस सिग्नल से। ये होम सिग्नल है। इस स्टेशन को यदि हम एक होम की तरह कंसिडर कर लें, तो इस होम के अंदर, घर के अंदर एंट्रेंस करने के लिए जो परमिशन पहले लेनी पड़ती है, वो इस सिग्नल के द्वारा ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है कि आपको स्टेशन के अंदर आने के लिए परमिशन दी जा रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस सिग्नल के अलग अलग जो भी एस्पेक्ट हैं उनके बारे में जानते हैं, जिन्हें देख करके कि ड्राइवर को क्या समझना है ये पता चलेगा, उसे इन्फॉर्मेशन क्या और कैसे कन्वे की जाती है वो पता चलेगा। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि वो अलग अलग एस्पेक्ट किन कंडीशंस के पूरा होने के उपरांत आएंगे। जैसा अभी आप इस समय देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड एस्पेक्ट शो कर रहा है, ये सेम सिग्नल SCO-13 आप पैनल पर यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये जो सिग्नल का करंट स्टेटस रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, ये यहाँ पर रेड सिग्नल है, तो इधर भी आप रेड देख सकते हैं। और इसे ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर ये स्विच दिया गया है। ये स्विच इसका इंडिविजुअल सिग्नल बटन है। रेड एस्पेक्ट का मतलब है कि जब भी ड्राइवर इसे देखेगा, ये उसे इस सिग्नल को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ना है, वो केवल यहीं तक आकर के रुक जाना है, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये सिग्नल येलो होता है, जो कि यहाँ पर ये जो आप LED देख रहे हैं, ये येलो सिग्नल की है, इसके ऊपर ये ग्रीन सिग्नल की है, और यहाँ पर ये जो रूट सिग्नल दिखाया गया है, ये 5 LED का एक लाइन है, और उसी तरह की 5 LED इस डायरेक्शन में भी है, अगर इस स्टार्टिंग LED को काउंट कर लिया जाए तो। ये रूट के बारे में इंफॉर्मेशन बताती हैं, ड्राइवर को बताती हैं। तो रेड के बाद में येलो, येलो सिग्नल अगर ड्राइवर देखता है, केवल येलो सिग्नल आता है, इसका मतलब है कि गाड़ी सीधा मेन लाइन पर जाएगी। ये जो रूट है मेन लाइन के लिए सेट होगा, और प्लेटफॉर्म पर जाकर के गाड़ी को रुकना है। उसके बाद में यदि ड्राइवर ग्रीन सिग्नल देखेगा, तो ड्राइवर इमीडिएटली समझ जाएगा कि गाड़ी उसके लिए जो मेन लाइन पूरी सेट की हुई है, पूरे स्टेशन से मेन लाइन से थ्रू निकल करके जाना है, प्लेटफॉर्म पर भी रुकना नहीं है कहीं पर भी, और बिना रुके आगे बढ़ेगा। हम आपको ये करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमने मेन लाइन सेट करके येलो सिग्नल आया, यहाँ पर आप येलो सिग्नल देख रहे हैं। येलो सिग्नल के साथ में ड्राइवर समझ गया कि उसे प्लेटफॉर्म पर मेन लाइन पर जा करके खड़ा हो जाना है, और नेक्स्ट सिग्नल जैसा आप देख रहे हैं वो रेड होगा। जब हम इसे ग्रीन करेंगे, तो वो भी हम आपको करके दिखा देते हैं। हम पहले ये सिग्नल, अब प्लेटफॉर्म वाला सिग्नल येलो हो गया, उसके बाद में स्टेशन का आखिरी सिग्नल एडवांस स्टार्टर, वो भी ग्रीन हो गया। जैसे ही वो सिग्नल ग्रीन हुआ, प्लेटफॉर्म का सिग्नल भी ग्रीन हुआ, और यहाँ पर ये सिग्नल भी ग्रीन हो गया। जब ड्राइवर देखेगा इधर से आते हुए कि यहाँ पर सिग्नल ग्रीन है, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि मुझे इस स्टेशन पर कहीं पर भी रुकना नहीं है, सीधी मेन लाइन से निकलते हुए चले जाना है, और फुल स्पीड से जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन इस अलग अलग कलर के एस्पेक्ट को देख करके ड्राइवर को पता चलती है। उसके बाद में हम इन रूट सिग्नल को भी आपको दिखाते हैं। अब हमने यहाँ पर ये जो रूट है लूप लाइन की तरफ सेट कर दिया है। गाड़ी जो भी आएगी वो इस लाइन से होते हुए लूप लाइन पर आएगी, और इस सिग्नल से पहले यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आकर के खड़ी होगी। आप यदि स्टेशन पर देखना चाहें, तो ये इस तरफ से आते हुए और इस रास्ते से यहाँ पर डाइवर्ट होगी,
इधर से डाइवर्ट होकर के लेफ्ट साइड में आएगी और यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आकर के रुकेगी। ये सिग्नल यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाला रेड है। अब इस होम सिग्नल की तरफ देखिए, होम सिग्नल पर आप येलो सिग्नल देख रहे हैं और उसके साथ में ये रूट इंडिकेशन की 5 LEDs भी ग्लो कर रही है येलो कलर में। तो चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेन को लेफ्ट साइड में डाइवर्ट होना है, रूट चेंज करना है, इसलिए उसकी स्पीड स्लो ही रख पाएंगे, मैक्सिमम स्पीड पर नहीं चल सकती है क्योंकि रूट चेंज करना है, यहाँ पर कर्व ज़्यादा होता है। तो सिग्नल का कलर यहाँ पर ग्रीन कभी भी नहीं आ सकता है, ये सिर्फ येलो कलर में ही अलाउड किया जाएगा। येलो कलर का मतलब है कि गाड़ी को धीमा चलना है और ड्राइवर को इन्फॉर्मेशन कन्वे करना ज़रूरी है कि उसे कौन सा रूट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड को डाइवर्ट होना है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का रूट इंडिकेशन मिल गया, जिसे ड्राइवर देख करके इजीली समझ सकता है कि उसे लेफ्ट साइड की लूप लाइन पर जाना है। स्पीड उसकी कम होगी क्योंकि डायवर्जन लेना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके द्वारा हम बता सकते हैं। अब हम आपको इस तरफ का रूट इंडिकेशन भी दे करके दिखाते हैं। अब आप पैनल पर देख सकते हैं कि रूट इस तरह से यहाँ पर एक राइट साइड में डाइवर्ट हुआ, फिर से एक और डाइवर्ट हुआ और ये जो कॉमन लूप है कॉमन लूप पर हमने लगा दिया है। नेक्स्ट सिग्नल जो प्लेटफॉर्म पर है वो रेड है, तो गाड़ी को आकर के इस तरह से इस कॉमन लूप पर आकर के खड़ा होना है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो गाड़ी इस तरह से आएगी और यहाँ से डाइवर्ट होते हुए इस प्लेटफॉर्म पर इस जगह पर आकर के वो खड़ी होगी। यहाँ पर ये सिग्नल, अगला जो सिग्नल है वो रेड है, स्टार्टर सिग्नल, इस प्लेटफॉर्म से गाड़ी को स्टार्ट करने वाला जो सिग्नल है वो रेड है और इसका इंडिकेशन यहाँ पर ड्राइवर को जो इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है वो आप देख सकते हैं कि ये येलो सिग्नल है और यहाँ पर रूट इंडिकेशन राइट साइड का दिखाया गया है येलो कलर में। तो ड्राइवर इसे देखते ही उसे मालूम पड़ जाएगा कि उसे राइट साइड में अपनी ट्रेन को लेकर के जाना है और स्पीड कम रहेगी।